हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के जैनपुर बास गांव में युवती से दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे थे। सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में किराएदार से मकान मालिक ने किया था दुष्कर्म का प्रयास। एडिशनल एसपी जगराम मीना ने बताया कि घटना 4 मार्च की है। जैनपुर वास निवासी राजू गुर्जर के खिलाफ कमरे में घुसकर पीड़िता की मां के सहयोग से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिस पर थाने में मामला दर्ज हुआ था। लेकिन आरोपी राजू गुर्जर के द्वारा राजीनामे का दबाव बना रहा था, जिसके बाद दबाव के चलते पीड़िता के द्वारा कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना लगते ही भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार मौके पर पहुंचे थे और पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी। वही मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस के द्वारा आरोपी की मां पूनम देवी पत्नी मेडिलाल उम्र 48 साल जाति पासवान निवासी निर्भर रायपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जो आरोपी राजू सेठ की फैक्ट्री में काम करती थी, साथ ही मुख्य आरोपी राजेंद्र प्रसाद और राजू सेठ पुत्र धन सिंह गुर्जर जैनपुरवास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है, जिसमें 376 511 SC/ST मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 4 तारीख को पीड़िता ने जो जैनपुरी आवास में सोताना लिको इंडस्ट्रियल एरिया में किराए पर रहती थी, उसने अपनी माँ और जो मकान मालिक था राजू उर्फ राजेंद्र गुर्जर, इसके खिलाफ बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला अनुसूचित जाति की थी, SC/ST का प्रकरण दर्ज हुआ। साथ में दोनों मुलजिमों को, उसकी मां को और राजू सेठ को गिरफ्तार करने के लिए हमारे CO साहब आनंदी राव ने 2-3 टीमें बनाई और उनके प्रयास से उन्होंने उनको कल दस्तियाब किया।